हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले गाइस। देखो गाइस, ये जो हमारी मेंस की सीरीज चल रही है ना, उसका जो हमारा डे कौन सा है, डे हमारा कौन सा है, 18 आपका ये डे होने वाला है। अगर मैं कहूँ कि 18th क्लास है तो आपके लिए गलत नहीं होगा गाइस। अब देखो, इसमें मैंने मेंस की शुरुआत करी थी, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करी है। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे ऐसा लेवल आएगा इसमें आपको 10 से 15 मिनट तक आपके क्वेश्चन में लग जाएंगे गाइस, ऐसा लेवल पे मैं लेके आऊंगा। बट अभी हम क्या करें, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के चल रहे हैं। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, मेंस की तरफ बढ़ते जाएंगे, जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं उनकी तरफ बढ़ते रहेंगे गाइस। अब देखो गाइस, इस क्लास की टाइमिंग बता दूंगा आपको, रात को 9 बजे डेली मिलती है आपको, मंडे से लेके फ्राइडे तक गाइस। कोई भी एग्जाम, चाहे SBI हो, IBS हो, RBI हो, चाहे ग्रामीण बैंक हो, सबकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को गाइस। देखो गाइस, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या बोला है कि 9% है जो आपके सिटिंग अराउंड हेक्सागोनल टेबल, ये आपकी हेक्सागोनल टेबल दे रखे गाइस, इसमें ये बैठे गाइस। कितने परसेंट है आपके टोटल? 9% दे रखे गाइस। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए गाइस। देखो अब सबसे पहले क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना या वीडियो को पॉज करना, और कम से कम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं टाइम दूंगा स्टार्टिंग में 5 मिनट आपको मैं देता हूँ गाइस। आप क्या करना, 5 मिनट लेना, इसको ट्राई करना। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर आप ट्राई करते हो, अगर आपको अप्रोच पता है तो आप जरूर ट्राई करें। अदरवाइज क्या करो, अगर नहीं समझ में आता तो सारी इन्फॉर्मेशन लिख लो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो, क्योंकि मैं आपको हमेशा बता दूं। आप क्या करो, सारी इन्फॉर्मेशन एक बार लिख लो, उसके बाद ऐसी इन्फॉर्मेशन देखो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो, उसके बाद जो हमारी पॉसिबिलिटी वाली इन्फॉर्मेशन है उसके साथ क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते जाते हैं बाकी की इन्फॉर्मेशन। देखो क्या बोला है, 9% सिटिंग अराउंड हेक्सागोनल टेबल एज शो इन अ फिगर, फिगर में शो कर रखा है। द पर्सन सिटिंग इन अ कॉर्नर फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, जो कॉर्नर बैठे हैं वो क्या है, सेंटर की बाहर की ओर देखते हैं। अगर देखो ये क्लर्क बेस का सवाल है, अगर PO बेस में आता तो वो क्या करता है, टेबल दे देता बस, और कुछ नहीं देता उसके अंदर, आपको बोल देता 3 सीटें वैकेंट है, या बोल देता कुछ का फेस आउटसाइड है, कुछ का फेस इनसाइड है, बस यही होता है बेस का PO और क्लर्क का लेवल का। अब जो आपके पैनल एजिस में बैठे हैं उनका फेस क्या, आपका सेंटर की तरफ, तो सबका फेस क्या है, सेंटर की तरफ है गाइस। द पर्सन सिटिंग ऑन अ वन एज इज फेसिंग टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन में, ये आपका ईस्ट में देख रहे हैं, और बाकी क्या हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा। ईच ऑफ देविंग इज हैविंग डिफरेंट पेयर्स ऑफ एप्पल, एक से लेके 9 तक उनके पास क्या है, एप्पल का पेयर है। मतलब एक पेयर की बात करो तो एक पेयर में कितने होंगे आपके, 2 एप्पल होंगे, या फिर गए 2 एप्पल इक्वल टू किसके होगा, 1 पेयर होंगे गाइस। अब देखो मेरी इंफॉर्मेशन यहां से स्टार्ट होती है पूरी की पूरी। देखो अब सबसे पहला काम क्या, मैं सारी इंफॉर्मेशन को लिख लेता हूं। देखो बी इज सिटिंग एडजेसेंट टू यू, जो आपका बी है वो यू का पड़ोसी हो, बट ये कन्फर्म है कि इमीडिएट लेफ्ट में आएगा, इमीडिएट राइट में आएगा, दोनों केस लिख लेते हैं। द पर्सन सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ W इज हैविंग 6 pairs ऑफ एप्पल्स, जो W के इमीडिएट राइट में आएगा उसके पास कितने पेयर है आपके, 6 pairs ऑफ एप्पल है। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। U इज नाइदर फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन नॉर टूअर वेस्ट डायरेक्शन, यहां देखो ना तो आपका W यहां पे आएगा, ना आपका W यहाँ पे आएगा, तो W क्या होगा आपका पता चल गया, कॉर्नर पे आएगा गाइस। ठीक है, चलिए सॉरी, ये U की बात कर रहे हैं, किसकी, U की, W की भी U की बात कर रहे हैं, तो आपका U ना तो यहाँ पे आएगा, ना आपका U यहाँ पे आएगा, U आपका क्या होगा, कंफर्म हो गया वो कॉर्नर पे आएगा, किसकी बात कर रहे हैं, वो U की बात कर रहा है। देयर आर 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन T and B, टी और वी के बीच में कितने आपके 2 पर्सन होंगे, बट ये कन्फर्म है कि मेरा वी टी के लेफ्ट में आएगा या फिर राइट में आएगा। विद हैविंग बी हैविंग 4 एप्पल्स, मतलब कहे टी के पास कितने 4 एप्पल्स, मतलब कितने पेयर हो जाएंगे आपके, 2 pairs हो जाएंगे, किसके पास, ये अपने वी के पास। आगे बोला द
टोटल नंबर ऑफ पेयर्स विद पी एंड एक्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेयर्स विद टी। देखो क्या बोला है, पी और एक्स के पास जितने पेयर्स होंगे ना टोटल मिला के उतने किसके पास होंगे आपके, टी के पास होंगे। किसकी बात कर रहा है आपका, पेयर्स की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, वन हु इज हैविंग नाइन पेयर्स ऑफ एप्पल इज सिटिंग ऑन द सेम एज इज बी सिटिंग। मतलब जहां आपका बी बैठा है वही आपका क्या होगा, जो नाइन पेयर्स है ना वही बैठेंगे। मतलब मैं अगर बोल दूं इस लाइन को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं। देखो द वन हु इज हैविंग नाइन पेयर्स ऑफ एप्पल इज सिटिंग ऑन द सेम एज इन विच बी सिटिंग। मतलब जहां आपका बी बैठेगा वही आपका, जैसे सपोज बी यहाँ बैठता है या फिर यहाँ बैठता है तो यही वो आएगा पर्सन जिसके पास नौ पेयर्स ऑफ एप्पल होंगे, या बोलेंगे टोटल 18 एप्पल होंगे। गाइस बोथ पी एंड क्यू आर सिटिंग अपोजिट एजेस, मतलब पी और जो क्यू है दोनों वो अपोजिट एजेस पे आएंगे। अब यहाँ पी होता है तो यहाँ पे क्यू नहीं आएगा, पी आपका इधर आएगा कहीं। अगर पी यहाँ पे होता है तो क्यू मेरा यहाँ पे आएगा। द पर्सन दोज हु आर सिटिंग एडजेसेंट टू टी विल हैव टोटल 11 पेयर्स। देखो जो आपका टी है ना उसकी जो पड़ोसी होंगे दोनों वो क्या करेंगे मिलके कितने पेयर्स बनाएंगे आपके, वो टोटल 11 पेयर्स बनाएंगे दोनों मिलके, ठीक है। चलिए, बट पी एंड क्यू आर नॉट नाइबर ऑफ टी। जो टी का पड़ोसी ना तो आपका पी होगा ना क्यू होगा, तो दोनों नहीं होंगे आपके और ना ही इमीडिएट लेफ्ट में आएंगे दोनों। ये भी कंडीशन आपको ध्यान में रखनी। नो इवन पेयर्स आर देयर बिटवीन यू एंड टी व्हेन काउंटेड राइट साइड ऑफ यू। देखो मैं आपको यहां बना देता हूं, देखो यू और टी के बीच में यहां पे जितने भी पर्सन होंगे आपके, जैसे यू के राइट साइड की मैं बात कर रहा हूं, बोला है ना राइट साइड ऑफ यू, तो यहां पे क्या आएगा आपका ऑड पेयर्स आएगा। क्या आएगा, ऑड पेयर्स आएगा। यहां पर नो इवन पेयर्स आर देयर बिटवीन यू एंड टी, मतलब यू और टी के बीच में इवन पेयर नहीं आएगा आपका, ऑड पेयर आएगा। यहां पे मैं लिख देता हूं ऑड पेयर, ठीक है, राइट साइड ऑफ यू। यू इज सिटिंग फोर टू द राइट ऑफ टी हु इज फेसिंग आउटसाइड। तो आप क्या कर सकते हो, इससे स्टार्ट कर सकते हो। कैसे, कि मुझे पता है कि टी आपका क्या है, वो किसके लिए, आपका टी के लिए वो फेसिंग क्या कर रहा है, आउटसाइड कर रहा है। तो मैं क्या करता हूं, जैसे टी को ले लेता हूं यहां पे, ठीक है, तो आप यहां पे भी ले सकते हो, आप यहां पे भी ले सकते हो। मैंने इसलिए लिया क्योंकि राइट इजीली देखने को हो रहा है। अब उसके फोर्थ राइट में कौन बैठा है, यू बैठा है। तो देखो एक दो तीन यहां पे मेरा कौन हो जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है, आ गया सर। चलिए उसके बाद पी इज, चलिए हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। पी इज सिटिंग अपोजिट टू आर, आर के अपोजिट आएगा कौन आपका, वो आएगा पी। हु इज नॉट हैविंग ऑड नंबर्स ऑफ पेयर, तो जो आपका आर है ना उसके पास क्या होगा, इवन पेयर आएगा आपका। क्या आएगा, इवन पेयर्स ऑफ एप्पल आएगा। द सम ऑफ एप्पल्स पोजिस्टेड बाय पी एंड क्यू इज 20। तो ये एप्पल की बात कर रहा है। क्या मैं अपने आपको ऐड कर देता हूँ दो मिनट के लिए। देखो इसने क्या बोला, पी और आपके किसका, क्यू का, ये किसके इक्वल आएगा, 20 एप्पल्स के इक्वल आएगा, ना कि पेयर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए बोथ आर फेसिंग इनसाइड, दोनों का फेस क्या हो जाएगा आपका, इनका फेस हो जाएगा आपका इनसाइड फेस हो जाएगा। S sit third to the left of W who is facing outside। तो देखो आपका एक आउटसाइड ये हो गया, एक आउटसाइड ये हो गया, तो एक ही जगह बचती है ना आउटसाइड वाली खाली, तो वहां पे कौन आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा W, है ना। और W के थर्ड लेफ्ट में आपका ऐसा जाएगा, तो इसका फेस आउटसाइड थर्ड, इसका इधर होगा ना, एक दो तीन, यहां पे कौन आ जाएगा मेरा, यहां पे आ जाएगा S। चलिए पर्सन
सिटिंग अपोजिट टू बी इज हैविंग नाइन सॉरी सिक्स एप्पल्स, जो आपका बी के अपोजिट बैठेगा उसके पास कितने पेयर आएंगे, सॉरी सिक्स एप्पल्स आएंगे उसके पास, ये कहेंगे हम थ्री पेयर्स आएंगे। तो ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली। अब हम देखो काउंट करते हैं इसको। देखो अब हमारे पास एक बोला था टी, देखो ये वाली इंफॉर्मेशन यू और बी क्या पड़ोसी है, यू के इमीडिएट राइट में देखो ऑलरेडी एस बैठा है, तो ये क्या होगा बी इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा किसके, यू के। चलिए तो हम इसको हटा देते हैं यहां से। अब देखो नेक्स्ट, अब हमारी नेक्स्ट कौन सी इंफॉर्मेशन करेक्ट हो सकती है, देखो टी एंड बी के बीच में दो हो गए, एक दो ये हो गए। अब बी के पास देखो सिक्स एप्पल्स है, तो मैं अगर मैं गलत ना हो तो इसको मैं बोल सकता हूं थ्री पेयर आएंगे इसके पास, है ना, तो थ्री पेयर ऑफ एप्पल हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, सिक्स एप्पल्स हो जाएंगे, तीन पेयर आएंगे, एक पेयर में दो एप्पल है तो थ्री टू जाए सिक्स हो जाएगा। अब चलो कि रुकी 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 जस्ट अ मिनट, जो अपोजिट बोला था इसके, ठीक है यहाँ पे क्या बोला, बी के पास कितने आपके, बी के पास देखो दो पेयर्स है, तो बी के पास दो पेयर्स हो जाएगा, और अपोजिट होगा ना बी के पास, बी के अपोजिट जो होगा उसके पास सिक्स पेयर है, तो एस के पास कितने हो जाएंगे आपके, एस के पास हो जाएंगे आपके सिक्स पेयर्स, तो एस के पास हो गए आपके सिक्स पेयर्स। चलिए हम क्या करते हैं इसको यहां से हटा देते हैं। नेक्स्ट देखो हमारा क्या दे रखा है, अब देखो टी के पड़ोसी नहीं आपके, ना तो क्यू होगा ना आ पी होगा ना क्यू होगा, मतलब यहां पर पी और क्यू नहीं आएंगे, पी आपका यहां कहीं आएगा, बट एक चीज उसने बोली थी जो आपका क्या है पी एंड क्यू है ना, दोनों के दोनों उसने बोला कि आपके देखो यहाँ पे कहीं बोला था बोथ पी एंड क्यू आर सेटिंग अपोजिट एज, मतलब एक दूसरे के पैरेलल वाली साइड पे बैठेंगे। अब पी आप यहाँ ले नहीं सकते, पी अगर आप लेते हो तो यहाँ पे क्यू पॉसिबल है, सामने नहीं होगा, बट एक चीज और पी के सामने आपका आर आएगा, तो पी अगर आप सपोज यहाँ पे लेते हो तो आर पॉसिबल है, पी यहाँ पे लेते हो तो आर पॉसिबल है, मतलब पॉसिबिलिटी हम चेक करेंगे इसके अंदर। देखो बट एक चीज बोली W के जो इमीडिएट राइट में है उसके पास कितने हैं सिक्स पेयर्स है, तो यहाँ पे थ्री आना चाहिए, सिक्स एप्पल्स बोला था ना, हाँ ठीक है ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक चीज गड़बड़ कर दी, देखो B आ गया, क्या बोला था जो B के है वो सिक्स एप्पल्स है उसके पास, यहाँ पे थ्री पेयर्स आ जाएगा, ठीक है। अब W के इमीडिएट राइट में कौन है आपका, T है, तो टी के पास कितने पेयर्स आ जाएंगे आपके पास, वो आ जाएंगे आपके सिक्स पेयर्स, तो इसके पास टोटल कितने एप्पल हो जाएंगे आपके, ट्वेल्व एप्पल हो जाएंगे। चलिए इसको भी हम यहां से हटा देते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम किससे कनेक्ट से अपोजिट एडिशन बैठे हैं, अगर मैं टी को यहां पे लू तो यहां पे क्यू आ सकता है, यहां पे आर पॉसिबल है, अगर मैं पी आने से पी को यहां पे लू तो क्यू आर पॉसिबल है, दोनों केस पॉसिबल है इसके अंदर। चलिए अब हम एक काम करते हैं, हम इसके अंदर चेक करते हैं पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो गाइस मैं एक बार देखो पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूं, मैं पी को यहां पे लेता हूं, अब पी को आप यहां पे ले सकते थे, यहां पे आर आ जाएगा, बट यहां पे क्यू आना चाहिए फिर, तो क्यू आप पी टी का पड़ोसी होगा नहीं, क्योंकि उसने बोला ना दोनों के दोनों पी और क्यू आपके अपोजिट एजेस पे बैठे हैं, तो मैं क्या करता हूं पी को यहां पे लेता हूं, पी के सामने आपका आर हो जाएगा, और अब ये दोनों एजेस में अलग अलग बैठे हैं तो क्यू मेरा यहां पे हो जाएगा, और एक पर्सन आपका बचेगा वो हो जाएगा एक्स, एक्स मेरा यहां पे हो जाएगा, तो मतलब पर्सन मेरे सारे सही आ गए। चलिए अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट, आर के पास इवन पेयर है, तो आर के पास इवन हमें नहीं पता कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है, देखो ये
जो द वन हु इज हैविंग 9 pairs ऑफ एप्पल इज सिटिंग सेम एज इन विच बी सिटिंग। तो बी आपका बैठा है, अब आर के पास तो इवन पेयर्स आएंगे, मुझे यहां से पता चल गया तो क्यू के पास कितने आ जाएंगे आपके 9 pairs आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब नेक्स्ट जो हमारे आता है आर के पास कितना होगा नहीं पता अभी हमें। अब पी और क्यू के पास देखो ये वाली पी और क्यू के पास कितने आपके 20 apples है। तो देखो अगर आप देखो कि इसके पास कितने एप्पल है, मतलब पेयर्स की बात करें इसने, हाँ देखो कहां पे लिखा था इंफॉर्मेशन, वो हमारी इंफॉर्मेशन थी तो देखो आपको पता है यहां पे बोला था देखो ये बता सम ऑफ एप्पल्स पजेसेड बाय पी एंड क्यू इज 20। तो पी और क्यू के पास 20 apples है, तो क्यू के पास आप कितने एप्पल है 18 apples है, 9 का पेयर है ना, तो मुझे पता चल गया है जो पी के पास क्या होगा आपका 1 pair आ जाएगा, क्योंकि तो उसके पास क्या हो जाएगा 2 apples हो जाएगी। ठीक है सर, अभी तक सही हो रही है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या बोला, पी और एक्स के पास जो पेयर्स है ना जितने, उतने टी के पास है, टी के पास जो कितने 6 pairs है, तो यहां से एक्स के पास कितने हो जाएंगे 5 pair हो जाएंगे। ये हो गया मेरा 5 pairs, 5 pairs ऑफ एप्पल्स। अभी तक सारे कंडीशन सही हो गई मेरी। अब नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, एक तो डब्ल्यू बचा है आर बचा है और आर के पास इवन आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, यू एट देखो नेक्स्ट हमारे पास, देखो मेरे पास पता है एक से लेकर 9 तक पेयर है ना, आपका क्या 9 हो गया, आपका 2 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, आपका 3 हो गया। अब देखो मेरे पास एक बचा 4 5 7 और 8 है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जो हमारा हो जाए देखो आर के पास आपका इवन आएगा है ना, अब इवन आएगा, अब इवन हमारे पास एक तो 4 बचा एक आपका 8 बचा, तो या तो 4 आपका आर के साथ आएगा या फिर 8 आएगा। अब देखो आप पी और एक्स, देखो यहां पे एक चीज बोली थी जो नाइबर है ना टी के, उनके पास क्या टोटल 11 पेयर्स है, अगर आप आर के साथ लेते हो 8 तो उसका आना चाहिए 3 पेयर किसका डब्ल्यू का, बट 3 तो यहाँ पे ऑलरेडी आ रखा है एस का, मतलब मुझे यहाँ पे पता चल गया कि जो आर का पेयर है ना वो क्या हो जाएगा 4 pairs ऑफ एप्पल इसके पास हो जाएंगे, 4 pairs ऑफ एप्पल इसके पास हो जाएंगे। तो डब्ल्यू के पास ऑटोमेटिकली कितने हो गए 4 pair हो गए, 4 pair हो गए ना इसके, तो अब इसके पास क्या हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा, 7 और 4 कितने होते हैं आपके 11 हो जाएंगे, तो 7 pairs ऑफ एप्पल किसके पास हो जाएंगे आपके पास इसके पास हो गए, 7 चला गया हमारा 4 चला गया। अब बचा आपका U और देखो, हाँ अब देखो हमारा क्या है U के पास हो गया, अब वहां U बचा एक, तो U के पास कितना आएगा, तो U के पास देखो 5 तो ऑलरेडी हमारा हो चुका है, उसके पास बचा 8 pairs। तो ये देखो मेरा आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया गाइस, यहां से मेरा एकदम परफेक्ट हो गया। बट मैं आपको दूसरा केस भी इसके अंदर समझाता हूँ। देखो दूसरा केस कैसे, कि मेरे पास मुझे नहीं पता ये क्या है, मैंने ये तो मेरा आंसर आ गया था, बट मुझे ये आपको दूसरा केस बताना है कि सपोज मैं पी और इधर लेके देखो पी को, ठीक है चलिए आपको मैं दूसरा केस भी समझा देता हूँ, दोनों केस समझाना मेरी जिम्मेदारी है। देखो अब पी को यहां पे ले नहीं सकता मैं पी को क्या करता हूँ यहां पे लेता हूँ, और पी के सामने क्या आ जाएगा आपका आर आ जाएगा, आर आ गया,
और यहाँ पे मेरा क्यू आ जाएगा और यहाँ पे मेरा एक्स आ जाएगा, यहाँ पे केस तो कन्फर्म होंगे। अब देखो आपका एक चीज बोला था उसने क्या, देखो आपने अगर गौर किया होगा, देखो यहाँ पे हाँ भाई हमारा वो केस देखो कौन सा, देखो मैं हाईलाइट करके बताता हूँ हाईलाइटर से, यहाँ पे क्या बोला था कि नो इवन नंबर्स ऑफ पेयर्स बिटवीन यू एंड टी वेन काउंटेड राइट साइड ऑफ यू। अब यू का राइट साइड तो आपको पता है क्या है, यू का राइट साइड तो आपको पता है यही होगा। तो यहां से आप अगर चलोगे टी तक तो यहाँ पे कोई भी नंबर आपका ऑड इवन नंबर नहीं आना चाहिए, बोला है आपका इवन नंबर नहीं आना चाहिए। और एक चीज उसने बोली आर के साथ क्या आएगा आपका इवन नंबर ऑफ पेयर्स आएगा, तो यहां से आपको पता चल गया जो सेकंड केस है वो आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, जो पहला केस था हमारा वो ही मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो ये था हमारा आज का ओवरऑल सेशन। देखो गाइस मैं क्या करता हूँ एक या दो पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट लेके चलता हूँ, आपको पता है मैं क्वालिटी पे फोकस करता हूँ ना कि क्वांटिटी पे। डेली रात को आपको ये 9 बजे क्लास मिलने वाली है, अलग प्लेलिस्ट बना रखी है मेंस लेवल की, वहां से आप जाके जो बाकी क्लासेस है वो देख सकते हो, और जो हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है उसको भी आप देख सकते हो, वो हमारी 5 बजे मिलती है गाइस। ठीक है तो अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना गाइस। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और जो हमारा इंस्टा की आईडी है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और व्हाट्सएप नंबर मेरा दे रखा है, मैं दोबारा आपको बता दूं 8700717744 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे यहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हो गाइस। ठीक है नो कॉल ओनली फॉर व्हाट्सएप गाइस। ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।